हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर होस्ट राज राठौर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहे आरएस प्री के मैटर को लेकर के एक अपडेट आई है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है उन कैंडिडेट्स के लिए जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएएस प्री का एग्ज़ाम जिन्होंने दे दिया है। ये खबर खास उनके लिए बहुत बड़ी है क्योंकि अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए आरएस प्री 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका परिणाम जो है वो रद्द कर दिया है। अब जो 25 और 26 फरवरी को जो आरएस मेंस का एग्ज़ाम होना था वो भी अब नहीं होगा क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने प्री भी अब रद्द कर दिया है, तो ये एग्ज़ाम भी अब नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को रद्द करने के साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट ने जो 5 विवादित प्रश्न आए थे आपके लिए आपके एग्ज़ाम में, इन प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्ज़ाम की आंसर की जारी करनी होगी और इसी हिसाब से आगे की प्रक्रिया जो वो है होगी। फ्रेंड्स, ये ऑर्डर जो है ऑनरेबल जस्टिस महेंद्र गोयल साहब के बेंच ने प्रोनाउंस किया है और एक जो इसके अंदर एक याचिका लगी थी अंकित शर्मा एवं अदर्स की, उसके अंदर हाई कोर्ट ने कहा है। तो हाई कोर्ट ने आरएस प्री के एग्ज़ाम के प्रश्न नंबर 62 के ऑप्शन 1 को सही माना है। तो ऐसे में अब आरएस प्री का रिजल्ट जो है वो नए सिरे से आने के बाद ही मेंस का एग्ज़ाम जो है वो हो सकेगा। फ्रेंड्स, इस मामले में मेरी पूरी नज़र जो है बनी हुई है, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आती हैं तो मैं श्योरली आपको बताने वाला हूँ। ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एडवोकेट राज राठौर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।